हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर शाहिद द गेमर। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हर एक वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए। अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एफ8 प्रेस कर रहा हूँ मेन्यू मोड को ओपन करने के लिए। प्लेयर ऑप्शन पे जा रहा हूँ, नीचे की तरफ आना है मुझे। यहाँ पे मेरे प्लेयर की इनविंसिबिलिटी जो है वो ऑन है। अब मैं नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पे वॉन्टेड लेवल जो है मैं 5 कर रहा हूँ। फाइव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ शो करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, प्लेयर का वांटेड लेवल 5 करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कॉप्स आ गई है, कॉप्स की व्हीकल आ गई है, नॉर्मल कॉप्स है और जो है एसवेट के सोल्जर्स आ गए हैं। ऊपर की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ, फ्रैंकलिन को मैं ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर भी देख सकते हो। हेलीकॉप्टर भी जो है वो कॉप्स की आ गई है। पर फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो आर्मी के हेलीकॉप्टर आए, आर्मी का टैंक आए और आर्मी की जीप आए, आर्मी का ट्रक आए और आर्मी के बंदे जो है हमें चेस करे, तो कितना ज्यादा इनहेंस हो जाएगा हमारा गेम प्ले। तो फ्रेंड्स, आर्मी जो है हमें चेस करे, आर्मी हमें मारे, आर्मी हमें पकड़ने की कोशिश करे, ऐसा आप दिखाना चाहते हो, ऐसा गेम प्ले करना चाहते हो अपने GTA 5 गेम के अंदर, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें एक मोड इंस्टॉल करना पड़ता है। वो मोड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फ्रेंड्स, मोड को इंस्टॉल करने के बाद में एक्टिवेट कैसे करना है उस मोड को, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अब चलते हैं मोड इंस्टॉलेशन की तरफ। यहां पर आप देख सकते हो आर्मी का कोई भी बंदा नहीं आया है, ना ही इसके अंदर आर्मी की कार आएगी, आर्मी की व्हीकल नहीं यूज होगी इसके अंदर अगर हम वो मोड इंस्टॉल नहीं किए तो। मोड इंस्टॉल करने के बाद में ही जो है हमें टैंक भी मिलेगा, आर्मी की व्हीकल मिलेगी, आर्मी का ट्रक मिलेगा, आर्मी की हेलीकॉप्टर मिलेगी, सब कुछ जो है वो आर्मी का होगा। और वो लोग जब चेस करेंगे तो उनसे बचना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक जो रोड पे ब्लॉक होता है, जो गाड़ी ब्लॉक होती है, कॉप्स जो ब्लॉक करके रखते हैं रोड को, वो ब्लॉक भी जो है वो आर्मी किया रहता है, आर्मी के सोल्जर्स किए रहते हैं। आर्मी के सोल्जर्स जो है अपना टैंक लेकर खड़े रहेंगे, अपना ट्रक लेकर खड़े रहेंगे रोड को ब्लॉक करने के लिए और आपको पकड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं मोड इंस्टॉलेशन की तरफ। स्किप मत करना वीडियो को, मोड इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो स्किप मत करना। स्किप कर दोगे तो मोड ठीक से इंस्टॉल नहीं होगा, फिर जो है ग्लिच आएगा आपके गेम में, फिर आप मुझे कमेंट करोगे ठीक तरीके से मोड नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। दो बार मैंने प्रमोशन कर दिया है, अब चलते हैं मोड इंस्टॉलेशन की तरफ। फ्रेंड्स, 5 स्टार पे आर्मी स्पॉन होने के लिए हमें एक मोड की जरूरत होगी और वो जो मोड है वो ये है। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं करूंगा। सिर्फ हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर आगे क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसकी जो लिंक है आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद में इंस्टॉल कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आर्मी की फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है और मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं विन ड्राइव सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। लेफ्ट साइड में मेरा डाउनलोड फोल्डर है, राइट साइड में मेरा GTA 5 की मेन डायरेक्टरी है। आर्मी के फोल्डर को मैं ओपन करूंगा, इसे भी ओपन करूंगा। यहाँ पर हमें 3 फोल्डर और कुछ फाइल्स मिल जाएगी। सबसे पहले हमें जो है tank.asi और laser.asi, इन दोनों फाइल को जो हमें GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट करना है। आप ड्रैग भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं ड्रैग कर देता हूँ। tank.asi हमारे GTA 5 गेम के अंदर टैंक को स्पॉन करने में मदद करती है, मतलब कि जब हमारे पीछे चेज होगा पुलिस का 5 स्टार होने के बाद में, तो वहां पर टैंक को स्पॉन करने में इस फाइल की मदद से जो है टैंक स्पॉन होगा। और laser.asi जो है, जो आर्मी का हेलीकॉप्टर आएगा वो इस वाली फाइल के मदद से आएगा, laser.asi। तो इन दोनों फाइल को जो हमें GTA 5 के मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है। अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, GTA 5 के मेन डायरेक्टरी को मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन आईवी ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ फोल्डर्स मिल जाता है। तो सबसे पहले जो फोल्डर मिलेगा आर्मी प्लस बेटर पुलिस स्पॉनिंग बाय यार्ड 1, हमें इसका काम है, इन दोनों का काम नहीं है। तो मैं इसे ओपन करूंगा, यहाँ पर आपको एक फाइल मिल जाएगी डिस्पैच की। तो इसे हमें कहाँ पर पेस्ट करना है उसके लिए हमें ओपन आईवी की जरूरत होगी। ओपन आईवी अगर अभी तक आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं किए हो तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो देख के इंस्टॉल कर लेना। तो मैं यहाँ पर मोड्स पे जाऊंगा, अपडेट पे जाना है हमें, update.rpf कॉमन डेटा। डेटा पे जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्पैच का मेटा डेटा की जो एक फाइल है यहाँ पर है, इसके साथ में हमें रिप्लेस करना है। पर फ्रेंड्स, रिप्लेस करने से पहले आप इस मेटा डेटा की जो फाइल को है आप इसका बैकअप बना लो। तो मैं क्या करूंगा, बैक करूंगा। बैक करने के बाद में यहाँ पर मैं इस फाइल का बैकअप बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये फाइल को ड्रैग कर दिया, इस फाइल को यहाँ पर ट्रैक करने के बाद में ये जो फाइल है इसका फाइल का बैकअप बन गया है।
बैकअप मैंने इसलिए बनाया है, जब भी मैं चाहूंगा इस मोड को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के लिए तो मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, जो मैंने बैकअप की फाइल बनाई हुई है सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर ड्रैग करना है और GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर tank.asi और laser.asi ये दोनों फाइल को जो है मुझे डिलीट कर देना है, इन दोनों फाइल को मुझे डिलीट कर देना है। बस इतना करने के बाद में ये जो मोड है हमारे गेम के अंदर से अनइंस्टॉल हो जाता है। अब इंस्टॉल कैसे करना है वो भी बता देता हूं मैं। यहां पर मैं गया, ये जो डिस्पैच की फाइल है यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रैग कर दिया। इतना ड्रैग करने के बाद में हमारे GTA 5 गेम के अंदर आर्मी मोड इंस्टॉल हो जाता है। अब जब भी हमारे 5 स्टार होगा, वांटेड लेवल जब 5 स्टार तक जाएगा तब आर्मी वहां पर स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएगी, टैंक आना स्टार्ट हो जाएगा और जो हेलीकॉप्टर है वो भी आर्मी का आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स गेम ओपन करने से पहले मैं आपको रिफर कर देता हूं कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें इन दोनों फाइल को जो है GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में डालना है और यहाँ पर हमें एक फाइल मिलेगी डिस्पैच की, इस फाइल को जो है हमें इस लोकेशन के ऊपर ड्रैग कर देना है, जैसे कि मैंने पहले ड्रैग किया था सेम ऐसे ही ड्रैग कर देना है। इतना करने के बाद में ये जो मोड है हमारे गेम के अंदर आ जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मोड इंस्टॉलेशन है आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे। तो अब एक्टिवेट कैसे करना है मैं आपको गेम के अंदर बताता हूँ। तो अब चलते हैं गेम में। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा गेम है वो ऑन हो गया। अब मैं वांटेड लेवल को जो है वो 5 स्टार कर देता हूँ। एफएन मैंने प्रेस किया मेन्यू मोड को ओपन करने के लिए, प्लेयर ऑप्शन पे गया, वांटेड लेवल 1 2 3 4 5 कर दिया मैंने। अब मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा, 10 to 15 seconds का वेट करना होगा। उसके बाद में जो है यहाँ पर आर्मी व्हीकल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्मी की व्हीकल सामने से आ रही है, आर्मी जीप एक आ रही है सामने से, थोड़ा सा वेट करते हैं। टैंक, आर्मी की ट्रक सब जो है यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी, आर्मी सोल्जर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्मी के सोल्जर्स आ गए हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। जो टैंक वगैरह भी जो है वो आ रही होगी, थोड़ा सा जो वेट करना होता है, या फिर मैं कार को जो है वो कार लेके निकाल लेता हूँ और आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, यहाँ पे जो है वो टैंक वगैरह भी आने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सामने की तरफ देख सकते हो टैंक यहाँ पर आ गई है और टैंक का जो है tank.asi जो हमने फाइल इंस्टॉल करी थी उसका डिसएडवांटेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि टैंक सामने आते ही हमारी कार को जो है वो ब्लास्ट कर देती है। अब फ्रेंड्स टैंक जो है अपने लॉन्चर से हमें ब्लास्ट कर देती है, हमारी कार को उड़ा देती है, हमें जो है वो मार दे देती है अपना लॉन्चर। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे आर्मी के सोल्जर्स आ चुके हैं और ऊपर आप देख सकते हो आर्मी की हेलीकॉप्टर भी आ गई है। तो फ्रेंड्स वो मोड इंस्टॉल करने के बाद में हमारा जो गेम रहेगा वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो है tank.asi वो फाइल इंस्टॉल नहीं करी। अगर आप वो फाइल इंस्टॉल करोगे तो आपकी जो कार है वो 10 सेकेंड भी नहीं आप चेस कर पाओगे, वो जो टैंक रहेगा अपना लॉन्चर से जो है आपकी गाड़ी को उड़ा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कार के अंदर बैठ गया था और जो टैंक है उस कार को उड़ा दी। तो फ्रेंड्स आपके गेम के अंदर टैंक नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ tank.asi जो मैंने इंस्टॉल किया था उस फाइल को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपको इंस्टॉल करना है वो आपके ऊपर है, आपको अगर इंस्टॉल करना होगा तो आप इंस्टॉल कर लेना, नहीं इंस्टॉल करना होगा तो मत करना। यहाँ पे मैं टैंक को जो है फोड़ने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा मुझे जो है ये परेशान कर रही है। अभी यहाँ पे जो है वो टैंक यहाँ पर फूट जाएगी। अभी भाई बहुत ही तगड़ा टैंक है यार, फूट रहा ही नहीं है, इतना सारा बॉम्ब फेंका मैंने। यहाँ पर अब जाके जो है वो टैंक फूटा है, 3-4 बॉम्ब मैंने फेंका तो टैंक फूटा है। ऐसा ये नहीं है कि टैंक ये वाला फूट गया तो अब दूसरा टैंक नहीं आएगा, और भी टैंक जो है वो आने वाले हैं। अगर मैं कार यहाँ से लेके निकल रहा हूँ आगे की तरफ जा रहा हूँ तो टैंक जो है वो और आएगा, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा यहाँ पे मुझे हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये हेलीकॉप्टर आ गया है। अब फ्रेंड्स मैं कार को लेके या फिर किसी भी व्हीकल को लेके मैं अगर रोड पे भाग रहा हूँ तो हमें जो रोड ब्लॉक है वो भी टैंक का होगा, मिलिट्री का रोड ब्लॉक होगा, कॉप्स का रोड ब्लॉक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फ्रेंड्स इस वीडियो पे लाइक का एम रखते हैं 500 का एम जो है कंप्लीट कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी और डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, दोनों ही जगह पे मुझे फॉलो कर लेना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय।